आज के हम दूसरे पड़ाव पर आए हैं, गांव छालपा। ये रजूर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, जहां हम रामचंद्र पाटीदार जी से मिलकर आए थे। यहां पर बहुत किसान हैं, लगभग 20-25 किसान हैं जो इसकी खेती करते हैं, और उनमें जो सबसे मुख्य हैं वो हैं आपके राजेश पाटीदार। राजेश पाटीदार जी, आप जो किसान देख रहे हैं, आप उनको अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेश पाटीदार, ग्राम इदारतपुर छालपा, जिला तहसील खरगोन, मध्य प्रदेश। मैंने 2017 में पहले से 2000 प्लांट लगाए थे, जनवरी 2017। उसके बाद में दो साल तक उनसे क्रॉप लेने के बाद में फिर मैंने सारी ज़मीन जितनी भी थी उसमें 12000 पौधे मैंने प्लांटेशन कर दिए। कितनी ज़मीन में? टोटल 18 एकड़ में मेरे यहाँ अमरुद लगा हुआ है। VNR भी है उसमें, 51 पिंक भी है और रेड डायमंड भी है। तीन वेराइटी। रेड डायमंड VNR की वेराइटी? नहीं, ये अलग है। अच्छा, ये कोई अलग वेराइटी? ये अलग वेराइटी। अच्छा, कितनी दूरी पर लगाए हैं आपने VNR? जो इसमें हर खेत में अलग अलग डिस्टेंस है, जैसे 5 फीट पे भी है, 5x10 पे भी है, 9x10 पे भी है, 8x5 पे भी है। सबसे अच्छी VNR के लिए कौन सी दूरी लगी? सबसे अच्छी दूरी तो सर इसमें दो है। उसमें अपने पास अगर पौधे लगाने की अगर है व्यवस्था, पैसे का अमाउंट है, तब उसको दूरी कम लगाओ, 5x8 पे लगाओ। तो उससे क्या रहता है कि फल की ग्रोथ और पौधे से न्यूट्रिशन जो भी फल में जाना रहता है वो अच्छी तरह से परिपक्व होता है। उसमें ग्रोथ भी अच्छी आती है, फल की क्वालिटी भी बनती है और सुंदर भी रहता है, और पौधे पे खिंचाव भी नहीं आता। इसलिए ज़्यादा अक्सर मतलब अच्छा रहता है वही है 5x8 पे। और लेकिन वो न्यूट्रेंट तो चाहिएंगे ना उसको, अगर आप जो है ना कम दूरी पर लगाओगे तो ज़्यादा न्यूट्रेंट और खाद की जरूरत पड़ेगी उसको? नहीं सर, उसमें पौधे पे जितना माल निकालना है अपने को, कम फल निकलेंगे ना उस पर और जल्दी आ जाएगा, 1 महीने के अंदर पूरा क्रॉप अपना बाहर हो जाएगा। अगर एक पौधे के ऊपर अपन ने 100 फल डाल दिए और उसी पौधे पर अपन 50 फल डालेंगे तो जितना उसको कवर लगेगा जाने में 2 महीने लगेंगे, बजाय उसको 1 महीने में ही वो आ जाएगी क्रॉप अपने पास, क्योंकि न्यूट्रिशन की मात्रा उसमें ज़्यादा चलेगी। पौधा पे अगर हम डिस्टेंस कम रखते हैं, हाँ, तो उस पर कम फल लेंगे, हाँ, और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा चलाएंगे तो फल हमें जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। न्यूट्रिशन तो उसी हिसाब से चलना है अपने को जो देना है। सर ये सो अनुमानित अपने यहाँ पर एकड़ में 7-8 लाख रुपए पर एकड़ का उत्पादन साल का मिलता है। पर एकड़ का मतलब 600 पौधे के हिसाब से, 600 पौधे, हाँ, एक उस पर 10x7 की दूरी पर लगे हुए हैं। अच्छा, ये एक पौधा है, ये दिखाइए, ये जो पौधा है आपने, ये इसको, ये तार लगाया है आपने, 14 mm का, हाँ, है ना, हाँ, ये तार है इस पर, हाँ, कितनी दूरी पर दूसरा खंबा लगाया? दूसरा खंबा लगाया 25 फीट की दूरी पे। आप ये लगाओ या बल्ली लगाओ? बल्ली लगाओ। आपने इसमें ये भी बांधे हुए, ये क्या चीज? ये इसलिए फल का साइज सर इसमें 500 ग्राम का आएगा, और इसकी जो ये शाखा है ये 500 ग्राम फल संभालने की मतलब वजन संभालने की स्थिति में नहीं है, डाली टूट जाएगी, इस कारण इसके ऊपर अपने इसको रोप डाल दिया कि ये टूटेगा नहीं। अच्छा, ये भी आपने ये लगाया हुआ है इसको? ये तो अपने को ट्रांसपोर्टिंग के लिए अंदर फॉर्म लगा हुआ है, हाँ, इस पर अपन यहाँ से अपन ट्रांसपोर्ट करेंगे, दिल्ली माल हमारा जाता है, तो स्क्रेच नहीं आया फल के ऊपर, इस कारण नीचे का फॉर्म डला है। और पन्नी का ये रहता है कि इस पर क्वालिटी मेंटेन करता है, ये किसी प्रकार से उसमें कीड़े वगैरह लगते नहीं। फोम का क्या साइज है? ये जो फोम का 180x40 का है, 180 लंबाई है, हाँ, और 40 ऊपर से है और 80 नीचे से। 80 तो 180 इसकी है लंबाई, ये 40 चौड़ा हो जाएगा, ये चौड़ा, अच्छा चौड़ा है, हाँ, ये मतलब फार हो जाएगा। एक तरफ से ये कम है, दबा हुआ रहता है, एक तरफ से बड़ा। हाँ, अच्छा, कितने का आता है ये? मतलब ये 70 पैसे का एक आता है, 70 पैसे का एक। इसमें कुछ क्वालिटी भी है? क्वालिटी कहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं रहता उसमें। और ये जो पन्नी है इसे क्या एंटी फोग, हाँ, एंटी फोग बोलते, इसको पॉलीथिन बोलते, पॉलीथिन। अच्छा, ये कितने की आती है? ये 140 रुपये पर केजी आती है, 140, हाँ, इसमें 400 पीस के लगभग 350-400 पीस आ जाता है एक केजी में। हाँ, 1 किलो का रेट जो है ना कितना? 140 रुपये। कितना साइज है इसका? स्टैंडर्ड साइज आता है ये साइज? स्टैंडर्ड साइज ये 13 इंच का है लंबे में और 9 इंच चौड़े में इसके, 9x13 का। तो रफली ये मान के चलो 70 पैसे का वो हुआ, हाँ, और ये कितने का पड़ेगा? ये करीब अपने को 30 पैसे करीब पॉलीथिन का भी वजन आता है, 1 रुपए का, हाँ, 1 रुपए। इसमें टोटल तीनों मिला के अपन तो, हाँ, लेबर टोटल मारते हैं तो 2
2 रुपए 50 पैसे से 70 पैसे के लगभग गिर जाता है इसका तीनों कवर। एक आदमी कितना इसको बांध देता है? एक लेबर दिन भर में 300-400 के लगभग लगा देता है। हाँ, 300 से 400 के बीच में, कोई ज्यादा काम कर लेता है, कोई कम कर लेता है, औसत 300 का रहता है अपना। तो एक पौधे पर जो मैं देख रहा हूँ कितना, मतलब मैक्सिमम ये फ्रूट लेते हैं आप? फ्रूट तो अपन 100 भी निकाल लेते हैं, 50 भी निकाल लेते हैं, पौधे की क्षमता के अनुसार जैसा भी लगे अपने को उस हिसाब से अपन लगा दो उस पे। पौधे पे तो बहुत ज्यादा फल आते हैं, बाकी सब उसको छटनी करके निकाल के तोड़। कितने, मतलब कितने बार फसल लेते हैं आप इस? 2 बार साल में। साल में 2 बार? हाँ। एक तो अब जो अभी गया ये सीजन, अभी आ जाएगा मार्च में। अब मार्च, हाँ, ये जो अभी बैगिंग हो रही है ये फल मार्च में चालू हो जाएगा। यहाँ पर ये एडवांटेज है कि ये मार्च के लेते हैं, हमारे यहाँ नहीं आ सकते। चलिए तो पाटीदार जी एक बात बताइए, मैंने देखा है इस इलाके में थोड़ा पहाड़ी सा इलाका भी है और यहाँ पानी की बड़ी समस्या है। हाँ सर। तो आपने पानी का प्रबंधन किस प्रकार किया? सर, पानी का प्रबंधन यहाँ से 9 किलोमीटर पे हमारे इंदिरा सागर परियोजना की केनाल गई है। अच्छा। वहाँ से हमने पानी, जो नर्मदा से? हाँ, नर्मदा जी। अच्छा। वहाँ से हमने लिफ्ट की है। अच्छा। कैसे लिफ्ट की है आपने वहाँ? उसमें 100, हाँ, पाइपलाइन डाली है। ये देखिए, इन्होंने 9 किलोमीटर अपनी पर्सनल 4 इंच की पाइपलाइन डाली है वहाँ से, जिसमें 2 मोटर वहाँ से पानी उठाते हैं और 2 बीच में तब इनके यहाँ पहुँचती है, कि यानी सरकार के काम करने से पहले ही। कितना खर्चा आया था? तो उसमें 50 लाख के करीब आ गया था खर्चा। तो 50 लाख का थोड़ा खर्चा अगर आप शुरू में करेंगे तो बाद में आपको उतना ही आसानी होगी। अच्छा, ये जो ये हम जगह देख रहे हैं ये बीच में जो है, हाँ, यहाँ आप कोई निराई गुड़ाई नहीं करते? निराई गुड़ाई करते ना इसमें, मजदूरों के द्वारा निकालते हैं चारे ऊपर ऊपर से, बस ऊपर ऊपर का निकालते नहीं, गहरी जुताई नहीं करते। कितने साल का बाग हो गया आपने? ये 3 साल का हो गया, 36 महीने। और जो पहली फसल आई थी लगाने के कितने दिन बाद? वो तो सर 18 से 20 महीने में अपनी फसल अपने पास आ जाती है, हार्वेस्टिंग होना चालू हो जाती है। मतलब 18 महीने से चालू हो जाती है क्रॉप आना शुरू हो जाती है। हाँ। ये कर लेंगे। अच्छा, इसका खर्चा 1 एकड़ में कितना आ जाता है? ये जो ये आपने ये पोल लगाया है ये सर, अब आज की तारीख में ये 3 लाख के करीब जा रहा है। उसमें पौधे प्लांटेशन भी आ गया। अच्छा। तार रोप डाला वो भी आ गया, मतलब ये अपने 18 महीने में इतना खर्चा लगना है, उसके स्थाई खर्चा है ये 18 महीने में। हाँ, पहला 1 एकड़ में है। हाँ, 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का, 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच में बैठेगा ये। बांस की बल्ली लगती है, तार लगता है उसमें और पोल लगते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, जो मुख्य सवाल है एक, आपका अधिकतम रेट इसका क्या बिका? सर, इसका रेट एक रेट का रहता है, 50 रुपए से चालू होकर 90-100 रुपए तक भी बिकता है ये। 90-100। हाँ, मिनिमम 50 से कम नहीं। आपके खेत से या मंडी? मंडी में। और यहाँ से मंडी ले जाने का कितना किराया लगता है? वो सर ट्रांसपोर्ट पे रहता है, कभी 4.5 रुपए भी लग जाते हैं पर किलो। अच्छा। कभी रेट बढ़ जाते हैं, माल कम रहता है तो 5 भी लग जाता है, 6 भी लग जाता है, ऊपर नीचे माल जाने में रहता है। ट्रांसपोर्ट में अगर पूरा लोट हो गया तो अपने को कम पड़ता है, नहीं तो थोड़ा उसमें बढ़ जाएगा। तो 55 में से लगा लो 5 रुपए या 6 रुपए या 10 भी, 45 से कम नहीं पड़ता। 45 से कम नहीं इसमें करने के लिए। और एवरेज मतलब कितना एक एकड़ से लेते? 1 एकड़ में पहली क्रॉप करीब मान के चलो 5 से 6 लाख रुपए की निकलती है। 10 टन माल 1 एकड़ में निकला और उसका आपका जो है ना 6 लाख रुपए आए। तो अगर 3 लाख रुपए ये खर्चा लगा शुरू का, वो निकाल दिया हमने, है ना? लेबर का बताइए और जो खाद का? लेबर खाद में तो सर ऊपर नीचे रहता है, निंदाई गुड़ अंदाजा मतलब मैक्सिमम मान के जरूर 4 से 5 लेबर पर डे मतलब लगते हैं 1 एकड़ में, औसत मानते हैं 12 महीने के लिए अपन। तो पहली बार आपने कितने एकड़ में लगाया था? अपना 4 एकड़ में लगा हुआ था। तो आपने 24 लाख का माल बेचा? हाँ, ये मानकर 24 लाख का माल बेचा। अब उसमें से 12 लाख आपका इनिशियल कॉस्ट आ गई लगाना? नहीं सर, उसमें हमको खर्चा आया औसत, हम तो देखते हैं लेबर का अलग देखा नहीं, कुछ नहीं देखा, पूरी क्रॉप का मेंटेन करते हुए हमने देखा तो उसमें 30% हमको खर्चा बैठा। 1 लाख का उत्पादन में हमको 30,000 रुपए उसमें अपना खर्चा आ रहा है। अच्छा, 30%। हाँ, 30%। तो अगर आपने मतलब ये 4 एकड़ में बेचा 24 लाख का, 30%, तो 7-8 लाख रुपए का खर्चा आ गया, 16 लाख रुपए आपको प्रॉफिट, शुद्ध प्रॉफिट है उसमें। उसमें फर्टिलाइजर भी आ गया, लेबर भी आ गई, सारा। नहीं, ये जो कैपिटल कॉस्ट शुरू में लगती है पौधों की, वो तो सर 2 से 2.5 लाख रुपए का जो खर्चा है अपना,
फर्स्ट का वो तो चलता है, उसके बाद में इसकी क्रॉप लेंगे अपन रनिंग, रनिंग, हाँ रनिंग वाला जो रहता है हाँ, उसमें अपने को फर्टिलाइजर या वो सारा खर्चा चलता है फसल लेने में। अगले साल फिर कुछ बढ़ा इसमें उत्पादन? उत्पादन का तो प्रकृति पे भी रहता है थोड़ा बहुत, जिस साल हमारा जैसा पानी का कमजोर पड़ा तो उत्पादन कम आया, अच्छा साल आ जाए तो बढ़ता भी है। इस बार हमारी क्रॉप अच्छी है तो इस बार हो सकता है कि 150,000 रुपये कहीं भी प्लस हो जाए इसमें। पिछले साल भाव कम था, पिछले साल भाव भी थोड़ा कम मिला और हाँ उसके कोविड में, कोविड में तो सर आज भी दिल्ली हमारी 70 बिक रही थी हाँ। अभी 8 रोज पहले हाँ। और आज की तारीख में 40 से 45 रुपये पे आ गई। अच्छा। ये तो सर हमको तकलीफ दे ही रहा है कोविड तो, पर कोविड एक अलग चीज़ है, कभी कदार आएगा। बाकी अपने को जो आना है वो क्रॉप तो वास्तव में जो आना है पर एकड़ वो तो आ ही रही ना। ये थे राजेश पाटीदार छालपा गांव के, जो खरगोन जिले के रहने वाले हैं। यहाँ पर बहुत किसान हैं, मैंने आपको कोई भी अतिशयोक्ति नहीं दिखाई है, ये केवल एक सत्य है। लेकिन यहाँ पर ये बात सोचने की है कि ये दो फसल लेते हैं, पहली फसल लेते हैं ये सर्दियों की, जो कि इनकी नवंबर के एंड तक या दिसंबर के तक ख़त्म हो जाती है। दूसरी फसल लेते हैं ये मार्च अप्रैल की, वहाँ पर मार्च अप्रैल की फसल इसलिए आ जाती है कि सर्दी नहीं पड़ती। लेकिन हमारे उत्तर भारत में जो फल आते हैं सितंबर की कटिंग के बाद में, जो फूल और फल आते हैं, तो वो नवंबर के बाद बढ़ना बंद हो जाते हैं, क्योंकि सर्दी बहुत पड़ती है, इसलिए हमारे यहाँ ये फसल नहीं आती। अमरूद में तीन फसल आती है, पहली फसल आती है जो अंबिया बहार है, जिसे हम बरसात की फसल कहते हैं। दूसरी फसल आती है जो नवंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आती है, जिसे हम मृग बहार कहते हैं, हमारे यहाँ अधिकतर ये फसल आती है। और तीसरी फसल है हस्त बहार की, तो उत्तर भारत में हस्त बहार की फसल नहीं ली जाती, क्योंकि उसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे।